आज चीन पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक को परेशान करने वाली एक बहुत बड़ी खबर रूस से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। यह न्योता उन्हें दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन में क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन से ये मुलाकात की। पुतिन ने एस जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर बेहद खुशी होगी। इतना ही नहीं, पुतिन ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. My best, very best wishes to His Excellency. Hello Modi, Moscow is calling. रूस के राष्ट्रपति का ये नेह निमंत्रण पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जिन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. इसे सुनकर पाकिस्तान के सियासी गलियारे में सन्नाटा पसरा है। ये रूस के साथ अपनी दोस्ती का वैश्विक प्रदर्शन करने वाले चीन के लिए एक झटका है। भारत के साथ रूस की इस करीबी को देखकर चल रहा होगा अमेरिका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। बुधवार को एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. Paying a visit to Russia, so please convey my best, very best wishes to His Excellency, and please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule, the general elections in Parliament. Are scheduled for next year. We wish our friends every success in that. सुना आपने? पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अपने मित्र को रूस में देखकर खुशी होगी। 2024 के लिए मित्र को सफलता की शुभकामनाएं। ऐसा बोलकर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ रूस के मजबूत रिश्ते पर मुहर लगा दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुतिन से साझा किया कि उनके जरिए पीएम मोदी ने पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी है और अगले साल पीएम मोदी भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. So. It is suddenly something that he looks forward to. भारत के लिए रूस की अहमियत क्या है, या ये कहें कि रूस भारत का कितना बड़ा मददगार देश रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए रूस एक मूल्यवान साझेदार है, समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे भारत और रूस दोनों को काफी फायदा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त करार दिया है। अभी दिसंबर के ही शुरुआती हफ्तों में पुतिन ने मोदी और मोदी की नीति पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बयान दिया था। पुतिन ने कहा, नरेंद्र मोदी को डराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को धमकाया नहीं जा सकता, मोदी की नीतियां दोस्ती की गारंटी है।
First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. सुना आपने, पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी हैं। आज की तारीख में भारत की धमक उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की निगाहें एक टक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति भी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्रहित के लिए किए गए मोदी के कड़े फैसले और सख्त रुख से कभी कभी हैरानी होती है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और इसका कूटनीतिक अर्थ भी निकलता है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। आजादी मिलने के बाद से ही रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने दोनों देशों के रिश्तों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. पुतिन पिछले दो साल से भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। इस साल भारत में हुई G20 की बैठक से पहले पुतिन ने मोदी को फोन करके दिल्ली नहीं आने की जानकारी दी थी। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण तरीके से रूस यूक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मोदी के रुख को समझते हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार बार उल्लेख किया। मुझे पता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को शांति से हल किया जा सके। पुतिन और मोदी के बीच की दोस्ती कितनी पुरानी है, इसे समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में चलना होगा। वो 2001 का साल था। नवंबर महीने में रूस में वाजपेयी पुतिन से मिल रहे थे। पीछे हाथ बांधे खड़े थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान एक तस्वीर ली गई जिसकी चर्चा आज भी होती है। पुतिन तब भी राष्ट्रपति थे और आज भी हैं। लेकिन पीछे खड़ा वो नेता आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उस समय वाजपेयी ने पुतिन से मोदी का परिचय करवाया था। तब पुतिन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पीछे खड़े नरेंद्र मोदी एक दिन उसके सबसे करीबी राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। पुतिन यूक्रेन को लेकर पश्चिम के टारगेट पर हैं। अमेरिका यूरोप समेत दर्जनों देशों से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बगैर पुतिन का साथ देने का फैसला किया।